दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि जो वैकेंसी निकली है आरपीएफ और एसआई के लिए, उसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि जो फिजिकल टेस्ट होगा मीन्स रनिंग दौड़ पहले होगा या रिटन एग्जामिनेशन पहले होगा। तो ये बहुत ही स्टूडेंट के माइंड में है और हमें कमेंट के थ्रू पूछ भी रहे हैं कि कौन सा पहले होगा, या पहले फिजिकल टेस्ट होगा या पहले रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है। तो इस कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे प्रूफ के साथ। तो उससे पहले, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा या आपको दौड़ होगा, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग चलते हैं जो कि रिक्वायरमेंट रिलीज हुआ है रेलवे द्वारा आरपीएफ और एसआई के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो अंदर 8.0 रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नोटिफाइड पोस्ट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड द ऑफिशियल वेबसाइट। द एंट्री रिक्वायरमेंट प्रोसेस शेल इन्वॉल्व ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे क्लियरली मेंशन हुआ है कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, उसके बाद है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसी समय होगा जब आपको दौड़ कंप्लीट होगा, उसके बाद हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद आपको चेस्ट और हाइट नापा जाएगा, उसके बाद इसमें क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बेसिकली एग्जाम तीन फेज में होगा। सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कोई भी डाउट अभी भी दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने से पहले है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर उसका जवाब दे सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।